Good morning, sir. Good morning. Introduce yourself. Sir, I am an electrician from class 9 and I have made a project named RFID based bike unlocking system. Repeat it, what is your project name? My project name is RFID based bike unlocking system. How is it called? Sir, हम लोग जब हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास में जो अभी हम बाइक चलाते हैं उसमें हम लोग को चाबी डाल के बाइक को ऑन करना होता है, लेकिन हम लोग एक ऐसा सिस्टम सेट करके जा रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग को RFID बेस्ड होता है, और RFID बेस्ड जो है वो एक रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस है जिसको जिसकी वजह से हम लोग के पास एक टैग होगा जो ओरिजिनल टैग होगा लाइक जब हम इसको स्कैन करेंगे, जैसे कि हम इसको यहाँ पर स्कैन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा हमारा बाइक, उसके बाद जब हम फिर से ऑफ करना होगा फिर से उसके पास टैग लग जाएंगे उसकी वजह से ऑफ हो जाएगा, और ये सिर्फ ओरिजिनल टैग के साथ ही होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी कोई भी डिवाइस होता है वो सिर्फ अपने ही फ्रिक्वेंसी से ऑन होता है, और दूसरे फ्रिक्वेंसी से लाइक हम अगर दूसरा कोई टैग यूज करेंगे उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। And from where you got such idea? We have got this idea from the place where the process of treatment was done. सर हम लोग ये आइडिया वहाँ से पाया जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बाइक चोरी रहता है, लोग जो है मार्शल की बनवा के किसी भी चीज़ को खोल सकते हैं, इसके तहत इसलिए हम अपने RFID बेस्ड लॉकिंग सिस्टम बनाए जिसकी वजह से जो RFID है वो सिर्फ रेडियो फ्रिक्वेंसी है जिसकी वजह से वो अपने फ्रिक्वेंसी खोलेगा और दूसरे टैग से वो खुल ही नहीं सकता। और सर ये जो RFID है ये सिर्फ हमारे हैंडल बाइक के जैसे हम लोग अगर यूज करते हैं किसी बाइक का हैंडल लॉक होगा, लेकिन RFID से हमारा इनर लॉक हो जाएगा जिसकी वजह से अगर कोई इसको मैनुअली भी चला के कोशिश करेगा तो धक्का देके फिर भी नहीं चलेगा, उसकी वजह से ये हमारा बहुत सिक्योर हो जाएगा। सर इसका फ्यूचर एस्पेक्ट ये हो सकता है कि हम लोग इसको नॉर्मल बाइक के लॉक की जरूरत यूज कर सकते हैं, उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगा, इसकी वजह से अगर कोई आदमी हमारे बाइक को मार्किंग सिस्टम से खोल ट्राई कर जैसे अभी ट्राई करेगा मार्किंग सिस्टम का वो खुल जाएगा और बाइक हमारे जा सकता है, लेकिन RFID टैग सिर्फ ओरिजिनल टैग जैसे कि हमारा जो टैग ओरिजिनल है जैसे ही लगाएंगे वैसे ही स्टार्ट हो रहा होगा उसके बाद हम इसको चला सकते हैं, जैसे ही हम लोग गलत टैग लाएंगे मिली तो ये गलत टैग का दिखेगा तो ये गलत टैग से हमारे स्टार्ट होगा, सिर्फ ओरिजिनल टैग से ही चलेगा और उसकी वजह से हम लोग को ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगा। थैंक यू।